इस और 45 पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने एक याचिका 31/1/2004 को लगाई थी, जिसका जवाब मुझे 16 जून 2024 को मिला कि उसमें मैंने लिखा था कि मेरी विधानसभा के रेडिया डैम, धपावन का बांध, गुढ़ा कटला का बांध, बड़ियाल खुर्द बांध, पूछड़ी बांध और घाटीपुरा घाटीदीपपुरा अमन सागर बांध को जोड़ने की याचिका लगाई थी, लेकिन याचिका का जो जवाब आया उसमें बांधों को जोड़ने का जो प्रस्ताव लिया गया उसमें मेरी बांधों को, विधानसभा के बांधों को जोड़ने के लिए नहीं लिया गया। तो मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूँगा, ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा के जो बांध ईआरसीपी में जो नहीं जुड़े उन बांधों को जोड़ने का आप काम करवाएं। साथ ही मेरी विधानसभा के दो बांध और नए निर्माण कराने का आप कराएं, जगसोली और शालावास कला में, और जो भी पुराने बांध हैं और नहर हैं उनकी रिपेयर का भी आप काम करवाएं। अब माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण मंत्री से मेरा विशेष निवेदन है कि दिनांक 6 अप्रैल 2024 को मेरी विधानसभा में फॉरेस्ट द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, और उस अवैध वसूली को रोकने के लिए जब मैं मौके पर पहुंचा तो उस ट्रैक्टर से एक तो एक्सीडेंट हुआ, सामने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर दिया, और जब उनको रोका गया तो उनकी जेब से पैसे मिले, और पैसे मिलने के बाद जब पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद उनसे जो रिकवरी, उनके पास जो पैसे मिले जो पुलिस ने जब्ती की है और रिपोर्ट में दर्ज कराई है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार विधानसभा में इस तरह का आतंक फैलाया कि हर दिन बजरी के ट्रैक्टरों पर विशेष कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के नाम पर बजरी के ट्रैक्टरों की जो 1,28,000 रुपये के लगभग जो रसीद कटती है उसको मिट्टी की रसीद काटकर पैसे लेकर और उनको मिट्टी की रसीद यानी कि मिट्टी की ट्रॉली बता दी, और जिनकी रसीद 27,000 कोई रुपये काटी है, ऐसे वन कर्मी जो वहाँ से चले जाते हैं, ये बीजेपी के राज में कटी, और 1,28,000 रुपए की जो रसीद है उसको 27,000 रुपए लेकर समझौता करके 1,00,000 रुपए का जो फैसला आधे आधे में करके 50,000 रुपए ट्रैक्टरों से लिए जाते हैं, उन वनकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक उन्होंने जो सीजर मार्का होता है, सीजर मार्के की जो कार्रवाई होती है 24 घंटे के अंदर उसको चालान पेश कर कोर्ट में पेश करना होता है। दिनांक 12/4/2024 को सीजर मार्का किया, एफआईआर नंबर 2/2677/8, उसका उन्होंने 8 दिन बाद चालान पेश किया क्योंकि समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि वो पैसे लेकर व्यवस्थाएं सुधार लेते थे कि जैसे भी समझौता सेटलमेंट हो उनका पैसे लेकर। दूसरी एफआईआर 2677/10 जो दिनांक 13/4/2024 को हुई उसका भी चालान 20 तारीख को पेश किया। फिर तीसरी एफआईआर 2677/11 जिसका भी 13/4/2024 को एफआईआर हुई, लेकिन उसका भी चालान उन्होंने कोर्ट में 20/4/2024 को किया। फिर चौथी एफआईआर 3675/40 16/4/2024 को हुई जिसका भी चालान 20/4/2024 को किया। इससे साफ साफ इंगित होता है कि इनकी भावनाएं जो कर्मचारी लगे हुए थे वो सेटलमेंट करके पैसे लेकर समझौता करते थे। फिर दिनांक 12/6/2024 को फिर सीजर फार्म किया, उसके बाद रसायपुर में एक ट्रैक्टर पकड़ा, और ट्रैक्टर पकड़ने के बाद उसको ये कहकर आज दिनांक तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और उसको ये कहकर समाप्त कर दिया कि ये करौली जिले का केस है, जबकि सायपुर
मेरी दौसा डिस्ट्रिक्ट में ही अंदर आता है, और ये राजेश शर्मा जिसने जो कार्रवाई करनी थी, क्योंकि वहाँ का जो प्रदीप कुमार शर्मा जो उड़नदस्ता प्रभारी था उसने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद जो रेंजर था राजेश शर्मा उसको अवगत कराया। अवगत कराने के बाद फिर भी 4 दिन बाद भी उसने FIR दर्ज नहीं करवाई और ट्रैक्टर थाने में बंद किया, और उसके बावजूद भी जब DFO को 5 मिनट हुई है, मेरी 3 मिनट बाकी है, मैं घड़ी में नहीं, 5-6 मिनट हुए हैं, फिर उसके बाद भी लिखा हुआ है। एक आज स्थिति यह है कि 13 जून 2024 को एक राजस्थान पत्र दैनिक भास्कर में एक खबर छपी, और खबर यह छपी कि बांदीकुई नर्सरी के अंदर जितने भी पौधे हैं करीब 50,000 वो सब नष्ट हो चुके हैं, और ये कहकर टाल दिया कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ी। गर्मी ज़्यादा पड़ी क्या, उनको तो चौथ वसूली करने के आगे ये फुर्सत नहीं है, पेड़ों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने मेरा एक मिनट उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तकासे से मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मुझे मांग संख्या 42 और